कन्या पूजन करते हैं उनके लिए मैं आज थाल लेके आई हूँ रेसिपी, जो कि कन्या को होता है। देखिए मैं चना फुला के रख ली थी पहले से, इसको कुकर में डाल देती हूँ। चना को पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए चने। पानी डाल तो जल जाएगा चना, पानी नहीं रहेगा तो। नमक भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, थोड़ी सी घी डाल दी हूँ। घी इसलिए डाली हूँ कि क्योंकि कुकर काला नहीं हो, नहीं तो उबालने से काला पड़ जाता है, इसीलिए मैं घी डाल दी हूँ। चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं घी की जगह पर, आपके अपने हिसाब के अनुसार जो है अवेलेबल वो डालिए बनाइए। मैं घी डालूँ तो इसका मतलब नहीं कि आपको भी घी डालना है, तेल भी डाल सकते हैं उस समय। तो मैं टमाटर को जब तक चना बन रहा है तो जब तक आलू की सब्ज़ी के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ सारा कुछ, तो मैं टमाटर को फाइन चॉप कर लेती हूँ। अच्छे से इसको काट लेंगे बारीकी से, क्योंकि टमाटर कट गया है। मैं 3 हरी मिर्च ली हूँ, उसको भी बारीकी से काट लेंगे। हरी मिर्च को भी देखिए, हरी मिर्च भी कट गई है, इसको भी आधा इंची के करीब। अदरक लेंगे, इसको भी बारीक बारीक ही काट लेंगे अदरक को भी, क्योंकि आलू सब्जी बनाएंगे ना, इसके लिए मैं अदरक काटी हूँ। देखिए अदरक भी फाइन चॉप हो गया है। मैं एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, तेल डाल के गर्म हो गया तेल, तो इसमें डाली मिर्ची, तेजपत्ता, जीरा के लिए लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिला देते हैं। नमक भी डालेंगे तो टमाटर डाल देते हैं, उसके बाद टमाटर भून लेते हैं। अब थोड़ी सी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा, कम या ज़्यादा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, सारा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मसाला सारा फ्राई हो गया है, आलू भी डाल के 2-4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सारा आलू मिक्स हो जाए मसाले में, इसका भी टेस्ट आना चाहिए। थोड़े से मैं गरम मसाला भी ली हूँ, 1/4 चम्मच। देखिए हो गया, भून गया है। अब इसमें पानी डाल के 10 मिनट के लिए पकाएंगे ढक करके। थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देती हूँ, ढक देंगे ढक्कन। देखिए चना बनके उबल के रेडी हो गया है, देखिए कितनी अच्छी उबली है। इसको छान लेते पानी से, उसका पानी फेंकना नहीं है, उसका पानी ये इसी चना में यूज कर लेना है, क्योंकि बहुत पौष्टिक होता है इसमें। देखिए आलू भी पक गई है, मैं उबला हुआ आलू ली थी। कुकर चढ़ाएंगे, उसमें चावल डाल देंगे। दूध उसमें डाल देंगे, क्योंकि जल्दी इसे खीर बन जाती है और अच्छी भी बनती है। नया चावल में जैसे खीर बनती है ना, नया चावल के उसी तरह से कुकर में बनाने से बनती है खीर, इसलिए मैं कुकर में बनाई हूँ। तो देखिए चना की सब्जी बनाती हूँ, तो इसके लिए ली हूँ हींग, हल्दी, मिर्ची, नमक, जीरा पाउडर,
काली मिर्च पाउडर, आमचूर्ण, हींग, सारा को डाल देंगे एक साथ ही मसाले को। इसी तरह से सारा को भूंजेंगे। बीच बीच में वही जो चना का पानी था मैं उसी को यूज कर रही हूँ, बीच बीच में डाल देंगी ताकि मसाला अच्छे से पके, नहीं तो नहीं डालेंगे पानी तो जल जाएगी मसाला, अच्छे से भुनेगी नहीं मसाला। तो देखिए कितनी अच्छी मसाला भुन रही है, देखिए साइड साइड से तेल भी निकलने लगी मसाला से, देखिए निकल दे है ना। अब इसी बीच डालेंगे टमाटर का, मैं जो पेस्ट बनाई थी वो मैं डाल दी हूँ, देखिए इसको भी पकाएंगे। इसमें गरम मसाला डाल दिए हैं, टमाटर भी पक गया था तो मैं गरम मसाला डाली हूँ। गरम मसाला देते ही चना डाल देंगे साथ में सारा को फ्राई करेंगे अच्छे से। देखिए हो गया फ्राई, पानी डाल करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारा मसाला को चारों पट्टी कढ़ाई से। देखिए मिक्स हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको ढक कर देंगे बर्तन, देखिए खीर भी मेरा रेडी हो गया है। अभी तो लग रही सूखी सूखी में, क्योंकि कम दूर डाले थे। देखिए कितनी अच्छी खीर बनेगी नहीं। इसको अच्छे से सारा को मिक्स कर लेते हैं, दूध डालेंगे, चीनी भी डाल देते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाले हैं इसमें, थोड़ी इलायची पाउडर भी डाल देंगे, इलायची का टेस्ट बहुत अच्छी आती है। मैंने खीर बनाई बासमती चावल का ही। देखिए चना भी रेडी हो गया बन करके, इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। देखिए धनिया पत्ती डाल दी हूँ चने में, चना मेरा बन के रेडी हो गया है। चना को हटा देंगे। अब इसमें मैंने चढ़ाया है उसमें घी डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, सूजी डाल देंगे, सूजी को धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे, सूजी को कलर चेंज होने तक के भूनेंगे, जब तक के धीरे धीरे एक साइड सूजी को भूनते हैं तो इधर ज़्यादा के पानी चढ़ा देते हैं, उसमें चीनी डाल दिए, चीनी गलने तक के ही बस उसको बस पकाएंगे, चाशनी नहीं बनानी इसकी। देखिए सूजी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, बस अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो पानी गरम करके रखे थे इसको डाल देंगे। इसमें थोड़े से कलरफुल डाले हैं ताकि बच्चे देख के खाने में रिलेटेड, कोई भी कलरफुल रहता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं कलरफुल बनाई हूँ हलवा। इधर साइड में पूड़ी को भी तल लेती हूँ, हलवा बन के रेडी हो गया था, साइड में पूरी तल लेती हूँ। देखिए सारा पूरी मैं बेल के रख ली थी पहले से ही, मैं पूरी भी तल गया, अब थाली लगा लेती हूँ। तो मैं चना रखी हूँ, फिर खीर रखूँगी, आलू की सब्जी, ये हलवा है।
पूड़ी साइड में चार पूड़ी रख दिए, फूली फूली से अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा।